गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये वीडियो इतना शांति से बैठ के इसलिए बन रहा है क्योंकि आज का वीडियो और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग कई टाइम से जानना चाहते थे लेकिन हम लोग इसको बता नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोग आप सबको अपनी फैमिली को एक सरप्राइज देना चाहते थे और वो सरप्राइज क्या, वो अपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो हम लोग पिछले 3-4 साल से बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और वो बेबी प्लानिंग का तरीका एक होता है IVF, जो कि कुछ लोग को पता है कुछ लोग को नहीं पता है। हम अब तक 4 बार ये मेथड ट्राई कर चुके हैं और 4 बार फेल हो चुके हैं इसमें। बहुत लोग बहुत टाइम से, एक तो हेटर्स जो होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, अरे मैडम बच्चा कब होगा, अब अपने कर लो, कुत्ते के बच्चे कब तक पालोगे, ये सब बहुत चीजें सुनते आ रहे थे। लेकिन मुझे लगता था कि क्या ही रिएक्ट करूं, हमारे लिए भी बच्चे हैं, बट वी वर ट्राइंग। कुछ जेन्युइनली कंसर्न लोग थे और मेजोरिटी में बोलूंगी कि कंसर्न लोग ही थे जो ये चाह रहे थे कि पूछना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि इट्स हाई टाइम, संभावना लेट हो रहा है तो आप बेबी प्लानिंग कर लो। लेकिन मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी, मैंने कभी इस बारे में बड़ी कंफर्टेबल नहीं हुई बात करने में। मुझे लगा कि जब ये बताना होगा, ये बताने वाली चीज होगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मेरे बताने का क्या रीजन है और मैं क्यों बताना चाहती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। हम लोग जब से हमारी अब शादी को 6 साल हो जाएंगे, तो अविनाश कह रहा है 4 साल, एक्चुअली हम ये 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, 5 साल से ट्राई कर रहे हैं। 2017 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको, आप मुझे बार बार बोल रहे हो कि आपकी एज हो रही है आप बेबी प्लानिंग कर लो, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी एज तब से है जब मैंने शादी करी थी, तो मेरी एज तब भी थी, तो मेरे को डिफिकल्टी आने ही वाली थी, ये मेरे को पता था। इसके लिए ये हम तब से प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमने कभी किसी को बोला नहीं क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा कंसर्न थी और हम ये चाहते थे कि जब ये हो तो सबके लिए एक हैप्पी मोमेंट हो, एक सरप्राइज हो। और अभी इस टॉपिक पे बात करने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, संभावना का मुझे पता नहीं, मेरा इंटरनल रीजन ये है कि मुझे लगा अगर ये बात हम शेयर करेंगे बताएंगे तो हो सकता है 3 मिलियन लोगों की प्रेयर्स हमारे साथ जुड़ जाए और ये 5th अटेम्प्ट शायद सक्सेसफुल हो जाए। तो ये एक रीजन है कि मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जब भी हमारे लिए कुछ प्रे किया है या कुछ मांगा है तो वो हमें मिला है। और जब से YouTube की जर्नी शुरू हुई है हमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है, चाहे वो इंटरनेट के लेवल पे हो या फिर वो पर्सनल दुआओं के लेवल पे हो। आप लोगों को क्या लगता है कि इजी लाइफ है, हंसते रहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं, उसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये हम आपको बहुत कम बताते हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपकी लाइफ है वैसे हमारी लाइफ है। हमारी तरह बहुत लोग IVF ट्राई कर रहे होंगे, कभी कोई बोलता नहीं है, हमारे इंडस्ट्री में भी कभी कोई बोलता नहीं है, बट ये मैं इसलिए हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि इतना प्यार आप लोगों से मुझे मिला है और ये मुझे आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को ये लगता है कि अरे मस्त लाइफ जी रही है, अरे बच्चे की कोई होश ही नहीं है, ये तो हम पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे हैं। शादी का जब टाइम था हमारा तो मेरी एज तब भी थी, आप सबको पता है कि अविनाश से मैं एज में बड़ी हूँ, कितनी बड़ी हूँ ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ना मैं उस एज वाले जोन में जा रही हूँ, बट सबको पता है मेरी एज है। अब अच्छे वे में बोल लो, कोई गंदे लोग जो होते हैं वो गंदे वे में बोलते हैं, अरे एज हो गई है अब कितना और चलोगी, कितना और है, बच्चे कर लो, तो आपको इसलिए बता रही हूँ। और अविनाश को पहले से पता था ये प्रॉब्लम तो शुरू होगी क्योंकि मेरे सबसे पहला कंसर्न ये था कि यार तुम बोलती थी कि आज तुम नहीं चाह रहे हो लेकिन कल को जब चाहोगे तब हम लोग क्या करेंगे, सो वी हैड स्टार्टेड प्लानिंग ऑलरेडी तब से। तो हमने एक बार ट्राई किया, इट फेल्ड। जो लोग बार बार बोलते हैं अरे ये सडनली आप मोटी कैसे हो जाती हो, अरे कितनी मोटी हो गई है, अरे ये पतली हो गई है, नहीं, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में आपको इतने इंजेक्शन लगते हैं, आपको, मेरा कहने का मतलब है वाइफ को यानी कि फीमेल को, इतने इंजेक्शन लगते हैं, इतने मेडिकेशन पे होती है, इतनी बार इतने मेडिकल प्रोसीजर से होके जाना पड़ता है कि आपकी बॉडी में हजारों चेंजेस होते हैं एक साथ और उसकी वजह से एक बेसिकली हार्मोन्स चेंज होते हैं, एक जो फीमेल जो जिसके थ्रू जाती है उस पे अगर आप लोग ये गंदगी ना करें ना कमेंट में, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद ये सब गंदगी ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने देखा है वो किस चीज के थ्रू गुजरी है वहां से और हम दोनों ने साथ में वो जर्नी को देखा है और ये कितना मुश्किल होता है मेंटली और फिजिकली एक कपल के लिए और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वाइफ के लिए। उस जर्नी की प्लीज आप लोग रिस्पेक्ट करें जितने लोग भी देख रहे हैं और जिनके साथ हुआ है वो तो करते होंगे आई एम श्योर। मेरा लास्ट टाइम तो मैं आपको जो बार बार बता रही थी, एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ, चौथा आपको मालूम है कब फेल हुआ था, अभी रिसेंटली। अब हमने आपको नहीं बताया था, हमने आपको नहीं बताया था, आपने कुछ रील्स देखी थी मेरी अभी हाल ही में, मैं रील्स, उस रील्स पे लोगों के बड़े कमेंट्स थे, भी लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, अरे बाप रे इतनी मोटी हो गई, अरे बाप रे अब तो खत्म हो गई, अरे अभी इतना वेट खा खा के कितना खाती हो जो तुम डाइट ही करती हो और उसके बाद इतना वेट है,
मेरा पेट इतना बाहर निकल आ चुका था। आप लोग को याद होगा एक मैंने गाना किया था ना एक, कैप लगा के एक ब्लॉग था जिसमें संभावना का हमने बताया था कि बीपी काफी लो हो गया था और मेरा यहाँ पे सलाइन चढ़ रही थी। तो उसके पीछे रीजन यही था कि वो प्रोसेस जस्ट खत्म हुआ था और संभावना की बॉडी में इतनी चीजों की कमी हो गई और इतना भारी पड़ गया उसके ऊपर वो की उसकी वजह से उसकी 3 दिन तक तबीयत खराब रही, उसको सलाइन चढ़ी हुई थी, इतना पेनफुल वो प्रोसेस। और मैंने ही अविनाश को रोका हुआ था, अविनाश एक्चुअली बता भी देता लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा नहीं बताते रहने दो, हंसी खुशी चीजें निकल जाए। लेकिन वो 3 दिन मेरे पर एक्चुअली बहुत भारी थे कि जब मैं प्रोसीजर पूरा करा के, IVF का प्रोसीजर करा के एंड देन आपका जिस दिन आपका पिकअप होता है, बेसिकली इसको कहते हैं पिकअप, तो आपको ऑब्वियसली वो एनेस्थीसिया देते हैं तो कुछ देर के लिए आप बेहोश होते हो, तब ये प्रोसीजर होता है एंड उसमें जितने भी आपके एग्स निकलते हैं उसको वो फिर वो स्टोर करते हैं और वो देखते हैं कि उन एग्स की क्या क्वालिटी है। ये सारा लंबा प्रोसीजर होता है। सी आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम लोग अपना ट्राई कर सकते हैं लेकिन हमको फ्यूचर तो पता नहीं है, हमें से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी देते हुए नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय जर्नी, क्योंकि बहुत सारी जो फेल हो चुके हैं मेरे प्रोसीजर एंड जिस मेंटल हेल्थ से मैं निकली हूँ, जिस फिजिकल प्रॉब्लम से मैं निकली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस चीज का पार्ट बनो टू अंडरस्टैंड कि एक लड़की के साथ क्या क्या हो सकता है। जो ट्रोल कर देते हैं लोग, उनको यही नहीं पता होता कि एक इंसान को जब आप इतना कुछ बोलते हैं उसके साथ क्या क्या होता होगा। बट आई स्टिल लाइक टू मेक एवरीवन हैप्पी अराउंड मी, मेरी सराउंडिंग्स हैप्पी हो, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, वी बोथ आर वेरी वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव चीजें तो लाइफ में सबके होती है। और हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये वीडियो और ये जर्नी हम सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से जब से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं जो मेजर कॉमेंट्स होते हैं यही होते हैं कि बेबी प्लानिंग का आप क्या कर रहे हो, बेबी प्लानिंग का क्या कर रहे हो, और हम इतने दिन से होल्ड करके बैठे हैं पेशेंटली कि आपको एक सरप्राइज देंगे नहीं दे पा रहे हैं। तो फाइनली मुझे लगा कि हमें आपसे ये बात शेयर कर देनी चाहिए कि ये हमारी लाइफ में हुआ पिछले 4 साल में और आगे अब जो होने वाला है उसका आप पार्ट बनो और आप हमारे लिए प्रेयर्स करो कि सब कुछ अच्छा हो आगे। तो यहाँ पर मैं जब ये चीजें बात कर रही हूँ ना, तो मैं एक वो आप लोगों के सामने एक वो लड़की नहीं हूँ जो कि वीक पड़ गई है और ये हो रहा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में जितनी चीजें हुई हैं, मेरे फादर का जाना और मेरे ये IVF उस टाइम पे भी ये प्रोसीजर्स चल रहे थे और तब वो फेल हो जाना, बिकॉज मैं तो अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अदरवाइज ही थी। और संभावना के फादर को भी पता नहीं था, मेरे फादर ने ये चीज जाने से पहले ये वीडियो के साथ हमारी फैमिली को भी पता चलेगा, ये आपको पता है बात, हमारी फैमिली तक को नहीं पता कि हमें 4 साल से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे उनके जाने से पहले 2 महीने पहले जब मैं शो के लिए गई थी तो पापा ने मुझसे ये बात करी थी, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं ट्राई कर लेते, मेरे पापा को नहीं पता था। मैंने कहा पापा हम लोग ट्राई कर रहे हैं और आपको जल्दी सरप्राइज दूंगी मैं। उसके बाद पापा तो चले गए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता रहता है, यू नो आई डोंट वांट टू क्राई, मेरे बहुत सर में ना वो हो जाता है एकदम, मेरे को ऐसा रहता है मेरे पापा इर्द गिर्द है मेरे और वो देखना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू सी मी हैप्पी, ही वॉन्ट्स टू सी अस हैप्पी। और मेरी लाइफ में जितने भी नेगेटिविटी होते हुए भी हम पॉजिटिवली निकल जा रहे हैं ना चीजों को लेकर, वो मेरे पापा की ब्लेसिंग्स है हम दोनों के ऊपर। जैसा कि अविनाश ने बोला कि आपकी प्रेयर्स वर्क करती है, तो 3 मिलियन फैमिली है, प्रेयर्स कैसे नहीं वर्क करेगी। वी विल ट्राई, मैं इस बार भी ट्राई करूंगी, फेल होगा मैं अगली बार भी ट्राई करूंगी, और अगर नहीं भी कुछ होगा ना तो मैं आपको बताती हूँ दुनिया बहुत बड़ी है, प्यार आप किसी भी तरह से बांट सकते हो, प्यार ही तो है ना। तो मेरे पास तो मेरे लिए ये भी बच्चे हैं, मेरे अंदर इतना प्यार है कि वो खत्म ही नहीं होना किसी के लिए। इसी बात पे एक पॉजिटिव एंड करते हुए इस चीज को, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द जर्नी ऑफ IVF, आई एम गोइंग टू टेक माय फर्स्ट इंजेक्शन टुडे। 10 दिन तक लगातार इंजेक्शन लगने वाले हैं संभावना को, कुछ दिन एक एक लगेंगे उसके बाद दो लगेंगे एंड इट्स जब वो दो इंजेक्शन शुरू होते हैं इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। मैं तब भी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ती हूँ, आपको पता है लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज, मैं फाइटर नेचर की हूँ, मैं गिव अप नहीं करती हूँ, मैं हारती नहीं हूँ और इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, आप मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखोगे विद माय इंजेक्शंस, विद माय होल जर्नी ऑफ IVF एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट विद योर प्रेयर्स। तो पहले तो डॉक्टर ने जितने भी हमें इंजेक्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि एवरी डे गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड टेकिंग इंजेक्शंस वो हमने पहले बहुत किया था, लेकिन अब अविनाश को ही सिखा दिया गया है कि इंजेक्शन मुझे कैसे देने हैं, दो इट इज वेरी वेरी पेनफुल बट अविनाश मुझे इंजेक्शन दे देता है। तो आपको दिखा देती हूँ कि हमने इंजेक्शन कैसे रखे हुए हैं। ये रहे इंजेक्शन, ध्यान से ये रहे सारे इंजेक्शन, ये हमने हमारा बेसिकली जो एग बॉक्स था उसी को खाली करके रखा है। तो जितने भी हैं ये सेट करके रखे हुए हैं इंजेक्शन, सारे इंजेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें ऐसे करके लेने नहीं है इंजेक्शन, तो सारे डॉक्टर ने बना के दिए हुए हैं। तो डे वन का जो इंजेक्शन है बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेकंड डे ऑफ योर मंथली साइकिल, सो डे वन वाला इंजेक्शन जो है काम में भी लिखा हुआ है, डे टू लिखा है, ये वाला है डे वन का इंजेक्शन, ठीक है इस तरफ कराओ, नहीं इसी तरफ करो,
आज इधर दे दो और बेबी एक सेकंड बेबी बेबी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाँ वन टू थ्री हाथ मत खींचो ना मेरा चुनचुन मैं मार दूंगा बेबी आराम से बेबी बस बस हो गया हो गया। तो आज का पहला इंजेक्शन तो हो गया धीरे धीरे ये इंजेक्शन दो हो जाएंगे आई थिंक दो तीन दिन और सेम लगेंगे उसके बाद से फिर चेंजेस शुरू होंगे। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में मुझे डर लगता है तो वो इंजेक्शन से लगता है। मैं बहुत डरती हूँ बहुत ज्यादा और ये डर मैं कैसे लगा रही हूँ मुझे ही पता है। अभी लेटी रहूं क्या करूं तो दोस्तों संभावना सोने चली गई है अभी बज रहे हैं रात के 11। मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे और आज ज्यादा कुछ व्लॉगिंग हो नहीं पाई ज्यादा क्या व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जितनी भी महिलाएं इस IVF प्रोसेस के थ्रू जा रही है ना इंक्लूडिंग माई वाइफ हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और जो इस प्रोसेस को बार बार करता है उसको तो बहुत ही ज्यादा मेरी तरफ से सलाम बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फिजिकली भी मेंटली भी। और मैं इसीलिए ना संभावना की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है ना वो कहाँ से आती है भगवान जाने जहां से मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है ना वहां से उसकी शुरू होती है। और उसके ऊपर इस चीज का कोई प्रेशर नहीं है बेबी का लेकिन फिर भी वो करना चाहती है तो डेफिनेटली सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहती है मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि इस चीज पे आप प्लीज कोई संभावना को ट्रोल करने से पहले 10 बार सोचे जो भी अब तक लोगों ने किया है उसकी एज पे उसके वेट पे उसकी किसी और चीज पे क्योंकि वो जो कर सकती है ना अपनी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी जो चेहरे पे अपने हैप्पीनेस रख सकती और अपने आसपास वालों को भी हंसा सकती है वो करोड़ों में किसी एक में क्वालिटी होती है। वो मेरे घर में किसी में है इस चीज का मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ बहुत लकी फील करता हूँ बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग आप लोग को मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट।